हेलो बच्चों, देखिए आज शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स के बारे में आपने फंडामेंटल नॉलेज जो है प्रीवियस क्लासों में ले ली होगी। जैसे 9th क्लास में काफी कुछ था ट्राइंगल्स के बारे में, लाइक कॉन्ग्रेंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स, है ना। और यहाँ पर जो होगा 10th क्लास का जो चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स ही है, बट हमें क्या देखना है इसमें, इसमें एक सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि हमने अब तक ट्राइंगल्स में क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। अब कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स या कोई भी चीज है, देखिए कॉन्ग्रेंस में और सिमिलरिटी में हम यहां डिफरेंस देखेंगे। कॉन्ग्रेंस में क्या था, अगर कोई भी फिगर है दो या दो से ज्यादा, अगर उनकी साइज एंड शेप दोनों सेम होंगी तो हम उन्हें कॉन्ग्रेंस कह देते हैं, है ना। सपोज करिए कि अगर आपकी कॉपी के पेजेस जो है, अगर एक को दूसरे के ऊपर रखे और उसे पूरा पूरा ढक ले तो ये कॉन्ग्रेंस होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका साइज और शेप जब सेम होगा ऐसा तभी हो सकता है। लेकिन सिमिलरिटी में क्या है, हम ओनली शेप देखते हैं, यानी अगर उनकी शेप एक सी होगी तो हम ये कह सकते हैं कि वो सिमिलर होंगे, ठीक है। ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है कि उनकी शेप देखकर ही हम ये बता सकते हैं कि सिमिलर होंगे, एग्जैक्ट नहीं है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सिमिलरिटी है और क्या कॉन्ग्रेंसी है। देखिए, मान लीजिए हम सिमिलर के बारे में बात करते हैं, अगर किसी भी रेडियस के सर्कल्स है हमारे पास किसी स्पेस में, सपोज ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर का, तो ये सभी सिमिलर होंगे क्योंकि इनका जो शेप है आप देख सकते हैं एक सी, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट साइज के स्क्वायर लें, है ना, स्क्वायर आप जानते हो कि सभी साइज इक्वल है, सपोज दैट इज 4 सेंटीमीटर और ईच एंगल 90 डिग्री होता है उसका, तो ये सभी सिमिलर होंगे, ठीक है। सपोज ये 3 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का, ईच एंगल इज 90 क्योंकि स्क्वायर है, तो ये सभी सिमिलर होंगे। एक मान लीजिए हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सभी साइड इक्वल हो, ठीक है, चाहे वो छोटे या बड़े हो सकते हैं बट सिमिलर होंगे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यह लिख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो क्योंकि इनकी सभी साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो आप इनमें क्या चीजें देख सकते हैं एक सी। इससे पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्रेंट में। अब कॉन्ग्रेंट में उनका साइज और शेप बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सपोज एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा सर्कल भी 5 सेंटीमीटर का होगा, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। सपोज एक स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर का तो दूसरा भी स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का होगा, तभी हम कहेंगे ये कॉन्ग्रेंट है। एक ट्राइंगल लाइक दिस और एक ट्राइंगल ये, सपोज ये 3, 4 और 5 का है तो ये भी 3, 4, 5 सेंटीमीटर इनकी साइज से, ये दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब देखिए, जो कॉन्ग्रेंस चीजें होती हैं वो सिमिलर जरूर होंगी, है ना, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी में सिमिलर की सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है, बट ये जरूरी नहीं है कि सभी सिमिलर थिंग्स या सभी सिमिलर ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ग्रेंट होंगे, ऐसा नीड नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। आप यहां देख सकते हैं क्योंकि सिमिलर की डेफिनेशन के हिसाब से उनकी शेप ओनली सेम होती है, इस वजह से वो छोटे बड़े हो सकते हैं, जबकि यहां क्या है, यहां अगर एक को दूसरे के ऊपर रखे तो वो उसे पूरा पूरा कवर करेगा, ना कोई एक्स्ट्रा चीजें होंगी, है ना, एक्स्ट्रा बाउंड्री नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा एक्स्ट्रा चीजें, तो ठीक है यही कॉन्ग्रेंट होंगे। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं अगर एक को दूसरे के ऊपर रखें तो वो पूरा पूरा नहीं रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, अगर सेम होंगी सपोज 4 सेंटीमीटर तो भी तो सिमिलर है क्योंकि इनकी शेप सेम है, तो भी ये हम कह देंगे सिमिलर होंगे, या सेम साइड के स्क्वायर है तो वे सिमिलर भी होंगे, है ना। अब देखिए इसकी बात करते हैं, हमने ये लिखा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 5, 5, 5 जिसकी सभी साइड इक्वल हो, और 4, 4 एंड 4, ठीक है, सेम है,
तो इन्हें ही हम सिमिलर कहेंगे। क्या इस ट्राइंगल को सिमिलर कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर तो जरूर होंगी। लेकिन क्या इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं हम? इन दोनों को कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते, क्योंकि कॉन्ग्रेंट होने के लिए साइज और शेप सेम होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे को कवर करनी चाहिए। ये तो एक ब्रॉड डेफिनेशन थी सिमिलर की, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और एडवांस देखते हैं कि सिमिलरिटी को क्या केवल देखकर ही बताया जा सकता है। अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है इस टाइप से, ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल है इस टाइप से, ठीक है, तो क्या ये हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये सिमिलर होंगे? भाई देखने में तो शेप तो एक सी लग रही है, बट ये जरूरी नहीं है कि केवल, जैसे हमने बताया कि ये जो ओनली शेप सेम होगी, ये ब्रॉड डेफिनेशन है ना। जो एक क्राइटेरिया होता है, जिस तरह से हम कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं चीजों को, कॉन्ग्रेंट, जैसे कि ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा SSS सिस्टम, यानी साइड साइड साइड, यानी एक ट्राइंगल की अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरे के इक्वल हो, या SAS सिस्टम, अगर दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, सपोज ये और इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो और इनका एक बीच का एंगल भी इक्वल हो, तो भी कॉन्ग्रेंट कहेंगे, है ना। ये क्राइटेरिया था कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट कैसे दिखाया जाए। इसी तरह से यहां भी एक क्राइटेरिया है कि केवल हम देखकर ही नहीं बता सकते कि वो चीजें सिमिलर होंगी। जैसे कि अब इनकी बात कर रहे थे कि क्या ये सिमिलर होंगे, तो सिमिलर देखने से एक लग सकती है, बट ये जरूरी नहीं है सिमिलर होंगे। क्योंकि अब देखिए, हमने क्या बताया था, शेप एक सी होगी, ये ब्रॉड डेफिनेशन है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, एक क्राइटेरिया होगा क्या। अब देखिए, हमने क्या लिखा था कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो सिमिलर बता दिया। कैसे? इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी 60 60 और 60 डिग्री के होते हैं। ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके सभी एंगल्स भी 60 डिग्री के होंगे। क्लियर है? अब देखिए क्या क्राइटेरिया है कि दो चीजें सिमिलर होंगी, या ट्राइंगल सिमिलर होंगे, या कोई भी फिगर्स दो या दो से ज्यादा सिमिलर होंगी। उसके लिए पहला तो ये है कि उनका जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं, उनका रेशो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, अगर इसका और इसका रेशो करेंगे, या इसका और इसका रेशो करेंगे, या इसका और इसका रेशो करेंगे, सेम आएगा, और उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, ठीक है। अगर मैं इनको ही कहूं, देखने में तो एक सी लग रही है, बट क्या ये जो क्राइटेरिया हमने लिखा है, देखिए आप नोट कर सकते हैं, फर्स्ट सिमिलरिटी का, देखिए सिमिलरिटी का क्राइटेरिया कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट पार्ट, रेशोस ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड शुड बी इक्वल, ठीक है। और सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, जैसे कि हमने अभी बताया है। अब सपोज करिए ये दो है, हम देखकर तो खैर लगता है कि हाँ ये सिमिलर होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है ना, या ये भी 4 मान सकते हैं, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। और अगर हम मान लें कि ये सपोज 3 है और ये 3.1 है ना, थोड़ा सा ही डिफरेंस हो गया, और ये 2 है एंड ये 5 है, या इस तरह से, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया, क्या इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका रेशियो इक्वल है, साइड्स देख सकते हैं ना। देखिए, अगर मैं ये डिवाइड बाय ये करूं 4/3, अगर मैं ये डिवाइड बाय ये करूं, है ना, देखिए ये आ रहा है 4/3, और इसका जो हम रेशियो निकालते हैं 5/5, ये आ रहा है 1, क्या ये दोनों इक्वल है ना। कोरेस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया है। अगर ऐसा होगा तो फिर हम दूसरा क्राइटेरिया चेक करेंगे, क्या कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है। हालांकि एंगल्स नहीं दिए हुए, लेकिन हम पहले ही, जब हमारा पहला ही क्राइटेरिया सही नहीं बैठ रहा है, तो हम कह देंगे ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। बात आई यहां तक समझ में? तो ये दो क्राइटेरिया आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखने, क्योंकि हम अगली एक्सरसाइज इसी तरह से करेंगे। आगे की जितनी भी ये एक्सरसाइज है, चैप्टर 6 है, इन्हीं चीजों पर बेस होगा, है ना, ये स्टार्टिंग है। तो देखिए, जैसे हमने अभी कुछ डायग्राम बनाए थे जिनको हमने सिमिलर दिखाया था, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल थे वहां, है ना, इस टाइप से सिमिलर के बारे में बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल सभी
साइड्स इक्वल है. सपोज हमने ये फोर फोर एंड फोर और ये थ्री थ्री एंड थ्री, और क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल जो है 60 डिग्री के होंगे, तो सेकंड क्राइटेरिया देखिए इसका, क्या इसमें ये क्राइटेरिया काम कर रहा है? कोरेस्पोंडिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, दोनों के एंगल्स इक्वल है, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए इसके कोरेस्पोंड ये कहलाएगा. तो ये तो इक्वल ही है भाई, सारे ही एंगल्स इसके 60 डिग्री के, इसके भी 60 डिग्री के. फर्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं, क्या इसके कोरेस्पोंडिंग साइज का रेशियो इक्वल है? सपोज ए बी सी पी क्यू आर, तो इसका और इसका कोरेस्पोंडिंग का मतलब अगर इसके और ये कोरेस्पोंड लेंगे तो ए बी डिवाइड बाय पी क्यू कितना आता है? 4/3. ठीक है, अगर हम ये और ये लेंगे बी सी डिवाइड बाय क्यू आर कितना आता है? 4/3. और ये लेते हैं ए सी, तो इसके कोरेस्पोंड ये होगी पी आर, तो 4/3. तो देखिए फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो भी फॉलो करता है यहाँ, यानी फर्स्ट क्राइटेरिया भी ट्रू होता है कि इसकी जो कोरेस्पोंडिंग साइज का रेशो इक्वल आ रहा है, सेकंड क्राइटेरिया तो है, तो इसलिए ये सिमिलर हुए. बात आ रही है समझ? इसी तरह से हमने एक एग्जांपल लिया था स्क्वायर का ऑफ डिफरेंट साइड्स, है ना, क्योंकि सभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के एंगल्स आर इक्वल्स, है ना, क्योंकि ईच एंगल्स आर 90 डिग्री. ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है यहां पर. फर्स्ट क्राइटेरिया सपोज ये 4 4 4 एंड 4, सपोज ये 2 2 या कुछ भी मान सकते हैं, 3 मान लीजिए, 3 3 3 एंड 3, तो इसकी कोरेस्पोंडिंग साइज का अगर रेशियो देखेंगे आप, ये भी 4/3 आएगा जैसे हमने यहां किया, ये भी 4/3 आएगा, ये भी 4/3 आएगा, ये भी 4/3 आएगा, तो इसमें ये भी क्राइटेरिया ट्रू हो रहा है, इसलिए हमने कहा था कि ये सिमिलर फिगर्स हैं. बात आई समझ में? आई होप आपको ये दोनों चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, सिमिलर क्या होती है ये भी समझ में आ गया होगा. ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.1 पर, देखते हैं उसमें क्या कहता है. ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और ऑप्शन गिवन है ब्रैकेट में, तो क्या ऑप्शन सही होगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा ये बताना है. तो पहला देखते हैं, ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल्स होते हैं क्या वो कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया होगा तो जितने भी सर्कल से मतलब है, और डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट साइज के मतलब सेम साइज का भी हो सकता है, तो हम इसे सिमिलर कहेंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं कहेंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन में आएगा सिमिलर, बिकॉज हमने बताया सिमिलर क्या है, उनका साइज डिफरेंट हो सकता है बट शेप एक सी होगी, यानी अगर एक को दूसरे के ऊपर रख दे कोई फर्क, कॉन्ग्रेंट होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर एक को दूसरे के ऊपर रख दे तो उसे पूरा पूरा ढक ले, एग्जैक्ट ढक ले, जबकि यहाँ ऑल सर्कल्स की बात की गई थी, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट होंगे, बात आई समझ में, लेकिन सिमिलर जरूर होंगे, जितने भी सर्कल्स हैं वो सिमिलर जरूर होते हैं. सेम ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, जितने भी स्क्वायर्स का मतलब स्पेस में डिफरेंट टाइप के स्क्वायर हो सकते हैं, तो क्या वो कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर होंगे? जैसे कि हम इसी से देख सकते हैं, वो सिमिलर जरूर होंगे, है ना, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रेंट भी हो, बट सिमिलर ऑलवेज होंगे, क्योंकि हमने क्राइटेरिया भी बता दिया था इंट्रोडक्शन में. ठीक है, तो सिमिलर जरूर होंगे क्योंकि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, और कॉन्ग्रेंट इसलिए नहीं होंगे, डिफरेंट साइज के है ना, छोटे बड़े हैं, इसलिए कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, सिमिलर ऑलवेज होंगे. ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, किस तरह के ट्राइंगल्स, किस तरह के सभी ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, क्या आइसोसेलीस या इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, आइसोसेलीस मतलब जिस ट्राइंगल की टू साइड इक्वल है, क्या ये ऑलवेज सिमिलर होंगे या इक्विलेटरल ट्राइंगल? इंट्रोडक्शन में बता चुके कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे ऑलवेज, आइसोसेलीस ट्राइंगल क्यों नहीं हो सकते? चलिए मान लीजिए दो साइड का रेशियो सेम हो सकता है, सपोज ये फोर है, ये फोर होगी, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलीस का मतलब दो साइड्स, टू साइड्स आर इक्वल, एंड ये हो सकता है थ्री है, ये थ्री है, तो इनका ये रेशियो तो सेम आ जाएगा, है ना, बट थर्ड साइड का क्या हो सकता है? थर्ड साइड फाइव हो सकता है, ये टू है ना, हो सकता है ये कुछ और हो, फोर, तो आप यहां देख सकते हैं जो थर्ड साइड का रेशियो है वो डिफरेंट हो जाएगा, अदर टू साइड्स का रेशियो तो सेम है, बट सिमिलर होने के लिए तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यहाँ ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि थर्ड साइड का रेशियो भी इक्वल होगा. ठीक है, और फिर वही कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होने चाहिए, हो सकता है चलिए मान लीजिए ये 60 एंड 60 होगा, तो ये हो सकता है 50 एंड 50, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये
जो आइसोसेलिस ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाए, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा हम बता चुके हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहे कैसे भी हो, कितने भी साइज के हों, वो सभी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं एंड उनकी साइज का रेशियो आप लेंगे तो ऑलवेज इक्वल ही आएगा, किसी भी साइज का ले सकते हैं आप, मान लीजिए 5 है ना, और 5 होगा और 5 होगा, आप इसको किसी भी उसका लेंगे 2 2 2 या 3 3 3 या 4 4 4, तो आप देखेंगे इनका जो रेशियो है वो इक्वल आएगा ऑलवेज। सो हमारा थर्ड में क्या आएगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर होते हैं। फोर्थ में टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, टू पॉलीगन्स है लाइक ये हो सकते हैं सेम नंबर ऑफ साइड्स, लाइक ये हो सकते हैं है ना, पॉलीगन्स मेनली लाइन से बनने वाले जो एनी फिगर होता है क्लोज फिगर, तो नंबर ऑफ साइज उसमें सेम है, सो उनको सिमिलर कब कहेंगे, फर्स्ट पार्ट देयर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर सिमिलर कब होंगे, उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो है ना, इस फर्स्ट पार्ट में आएगा इक्वल, एंड देयर कोरेस्पोंडिंग साइज आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में हो, जैसा हम यहां बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, क्लियर है। आई होप आपको ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर, यानी यहां पर हमें सिमिलर फिगर के टू डिफरेंट एग्जांपल्स दे देने हैं एंड नॉन सिमिलर फिगर के भी टू डिफरेंट एग्जांपल दे सकते हैं, कितने भी दे सकते हैं। तो जैसा हम अभी बता चुके हैं सिमिलर फिगर ऐसी कौन सी, ऑल सर्कल्स जो होंगे ऑलवेज सिमिलर होंगे, एक एग्जांपल आप ये दे सकते हैं, दूसरा एग्जांपल आप ऑल स्क्वायर्स, ऑल दूसरा एग्जांपल आप ये दे सकते हैं ऑल स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं, टू एग्जांपल्स देना है, टू एग्जांपल देने, और तीसरा ये भी लिख सकते हैं आप कोई भी इनमें से चूज कर लीजिए दो, कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर होते हैं, सर्कल्स स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये हम कोई से भी टू एग्जांपल्स आप इसमें से लिख सकते हैं, सर्कल लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख सकते हैं। नॉन सिमिलर फिगर के बारे में बात करते हैं, तो नॉन सिमिलर फिगर देखिए आप इसमें से ही चूज कर सकते हैं एक सर्कल एंड ए स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हैं एक सर्कल एंड ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लिखना है, फिगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं आप सर्कल एंड ए स्क्वायर, भाई आप देख सकते हैं बिल्कुल ये नॉन सिमिलर फिगर है, कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं कर रही है। एक एग्जांपल आप स्क्वायर एंड ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ले सकते हैं, एक स्क्वायर ले सकते हैं एंड ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ले सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, नॉन सिमिलर फिगर होंगे। एंड एक हम ये ले सकते हैं सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक सर्कल ले लीजिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लीजिए, ये भी बिल्कुल डिफरेंट नॉन सिमिलर फिगर होंगे। काफी एग्जांपल आपके अराउंड भी पाए जा सकते हैं, कोई भी एग्जांपल इनमें से ही ले लीजिए या कोई और, आप अपने आप देखिए क्या हो सकते हैं सिमिलर फिगर एंड क्या हो सकती है नॉन सिमिलर फिगर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ही कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, यहाँ दो फिगर दी गई है, क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं, इन्हें देखकर या कैलकुलेशन करने के बाद ये बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी सभी साइड्स इक्वल है और इसकी सभी साइड्स भी इक्वल है, और ये जो सिंबल है 90 डिग्री का है, तो सिमिलर होने के लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो शुड बी इक्वल है ना। हम यहां अगर करें कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू डिवाइड बाई इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंगे ए बी, तो इन दोनों का रेशियो निकाल कर देखते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, पॉइंट हटाने के लिए हम जीरो लगा सकते हैं, 15 1 15 और 15 2 यानी 1/20, क्लियर है। अगर मैं इसका और इसका रेशियो निकालूं कॉरेस्पॉन्डिंग साइज का क्यू आर डिवाइड बाय बी सी, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये भी सेम ही आ जाएगा 1/20, क्योंकि ये सेम डिजिट है। फिर मैं अगर एस आर और डी सी निकालू ना, ये और इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये 1.5/30, तो यहां भी ये 1/20 आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट बचती है एस पी या पी एस, इसके कोरेस्पॉन्डिंग ए डी, और आप देख सकते हैं 1.5/30 दैट इज 1/20, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो रहा है कि उसकी सभी कोरेस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो शुड बी इक्वल, यहां भी है, हमने अगर रेशियो निकाला सभी का रेशियो 1/20 आता है। सेकंड क्राइटेरिया भी चेक करना होगा, क्या इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये तो सिंबल 90 का है, बट हम यहां ये नहीं कह सकते कि ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, अगर देखकर ही
एक गैस करें, हम कैलकुलेशन करें तो ये थोड़ा सा बेंड है, 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेट होता है बिल्कुल, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का तो है नहीं, है ना, और गिवन भी नहीं है, बट ये 90 डिग्री का एंगल, ये हम कंफर्म कह सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है सीधा थ्री साइड्स का और ये सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं बिकॉज बिकॉज पोल कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल सो दीज क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर, है ना भाई, हम श्योर नहीं है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री का है या नहीं है, यानी सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि एंगल एग्जैक्ट है कितने का, या हम बिना उसके तो बता ही नहीं सकते, तो इससे हम यही एक कॉन्क्लूजन निकालेंगे कि ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है, क्योंकि दोनों के कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, बस देखकर ही बताना होता तो हम सीधा कह देंगे कि हाँ ये एंगल्स इक्वल नहीं है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, सो दीज आर नॉट सिमिलर, बताइए समझे, आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसके बाद मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं फॉर्मूलों या इन्हीं क्राइटेरिया सिमिलर ट्राइंगल पर ही बेस होंगे, ठीक है।